हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। वीडियो के शुरू से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। वीडियो का पर्पस है सिर्फ आपको एक डायरेक्शन, एक सोच आपकी बिल्डअप करना कि एक्चुअली में मार्केट में हो क्या रहा है। आप देख रहे हो कि यू नो मार्केट फिर से क्रैश होने लगी, फिर से डाउन होने लगी, फिर से पूरी मार्केट रेड के अंदर है। तो मैंने एक पोल चलाया और पोल के अंदर मैंने जानने की कोशिश करी कि द वर्स्ट इज़ ओवर और द वर्स्ट इज़ येट टू कम। दो मैंने ऑप्शन दिए और काफ़ी सारे लोगों ने उस पोल के अंदर पार्टिसिपेट किया है, करीब 500 से ऊपर। अभी तक वो पोल चल रहा है, एक्टिव है, ट्विटर के ऊपर है, आप चाहो तो आप भी जाके वो पोल देख सकते हो। तो 75% लोगों का ये मानना है कि द वर्स्ट इज़ येट टू कम। अब ये जो लोगों का जो नेगेटिविटी है, इसका क्या रीज़न है कि लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है दैट द वर्स्ट इज़ येट टू कम? वेल, उसका अगर मैं आपको आज यू नो वेब3 की दुनिया में मैं इसको कवर करूँगा तो शाम को 8 बजे उस एपिसोड को डिटेल में यू नो इस टॉपिक वाइज और काफ़ी डेप्थ में हम जाने की कोशिश करेंगे, काफ़ी चीज़ों को कवर करेंगे। लेकिन मैं समरी अगर आपको देना चाहूँ दैट द वर्स्ट इज़ येट टू कम, इसका रीज़न ये है कि हमने ये जो देखा कि FTX का जो फॉलोआउट हुआ, तो क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि क्रिप्टो एक कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है, सब कुछ ऑन चेन है, या कोई भी सेंट्रल एंटिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट यू नो कोई पर्टिकुलर कुछ लोग नहीं हैं जो क्रिप्टो को चलाते, ये तो डिसेंट्रलाइज है। एक्चुअली में लोग कन्फ्यूज हो गए। लोगों को जिस तरीके से जो मिस सेलिंग हुई 2017-18 में, काफ़ी सारे लोगों ने क्रिप्टो को ये समझ लिया कि बिटकॉइन और क्रिप्टो में कोई अंतर नहीं होता। जैसे बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, वैसे बाकी क्रिप्टो भी डिसेंट्रलाइज है। जबकि जो पूरा इकोसिस्टम है बिटकॉइन के अलावा या इथेरियम के अलावा, अगर आप देखोगे जितना भी इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज जब मैं बात वर्ड यूज़ करता हूँ तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर फाउंडर या कोई ग्रुप या कुछ चंद लोग हैं जो आज भी उस इकोसिस्टम को रन कर रहे हैं। जहाँ पे भी ये सेंट्रलाइजेशन आ जाएगी, जहाँ पे भी कुछ लोग सिस्टम को गवर्न कर रहे होंगे, जहाँ पे भी कुछ लोग मिलके सिस्टम को यू नो रन कर रहे होंगे, तो वहाँ पे बहुत चांसेस होते हैं कि सिस्टम करप्ट होने के चांसेस होते हैं, मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं। यही कारण है कि जो हम एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम देखते हैं, जैसे कि बैंक्स देखते हैं, और हमने जो 2008 में लीमन ब्रदर क्राइसिस देखा, उसके अंदर जो लेजर्स थे, उसके अंदर जो अकाउंट्स थे, उसके अंदर जो बुक्स थी उनकी मैनिपुलेशन देखी, एसेट्स की ओवर लीवरेज देखा, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में देखते थे, वही सारी इश्यूज़ जो हैं आपको क्रिप्टो के अंदर भी दिख रहे हैं, खासकर उन कंपनीज़ में जो कि सेंट्रली गवर्नड है, सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि एक्सचेंज है। एक्सचेंज कुछ नहीं जो कि आज की डेट में क्रिप्टो में आप कह सकते हो कि जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक होते थे, वही काम आज की डेट में क्रिप्टो के अंदर एक्सचेंजेस करते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों ने सैम बैंकमैन फ्रीड, जो कि आप सोचो 2017-18 के अंदर आया और उसने आर्बिट्राज के से शुरुआत करी, कहीं पे सस्ता मिलता था बिटकॉइन और कहीं पे महंगा मिलता था, तो उसने सस्ता खरीद के महंगा बेचा, और यही कारण था कि उसने आर्बिट्राज करके अलमीडा रिसर्च बनाई, फिर FTX बनाई, और उसने $32 बिलियन की वैल्यूएशन पे ले गया अपनी कंपनी को। काफ़ी सारे लोग दुनिया में ये सोचने लगे कि सैम बैंकमैन फ्रीड इज़ दी फाइनेंशियल गॉड। जब आप इतना बड़ा दर्जा किसी को दे देते हो तो ऑब्वियसली आप यू नो इनवाइट कर रहे हो प्रॉब्लम्स को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ अ ह्यूमन एंड ह्यूमंस कैन मेक मिस्टेक। तो इसीलिए अब आप देख रहे हो कि ये सारी की सारी चीज़ें ना इंटरलिंक्ड हैं। आपको लग रहा होगा कि चलो सैम बैंकमैन फ्रीड और FTX का कोलैप्स हो गया, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? इसके बाद तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। लेकिन क्या सैम बैंकमैन फ्रीड अलग, क्या सिर्फ एक अकेली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारी एक्सचेंजेस, बहुत सारे फंड्स जो हैं आज भी सेंट्रलाइज हैं। अब हो क्या रहा है, कुछ इस तरीके से मार्केट के अंदर हो रहा है कि धीरे धीरे अब जो नज़र है वो सारे के सारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेंट्रलाइज हैं, जैसे कि FTX था, अब कहीं ना कहीं नज़र जो है वो बाइनेंस पे भी है, कहीं ना कहीं नज़र जो है वो ग्रे स्केल पे भी है। और ग्रे स्केल की जो कहानी है वो उसको Web3 की दुनिया में आज हम 8 बजे बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं, उसको देखना मत भूलिएगा। बट फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा समरी बता देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि कॉरपोरेट जगत के अंदर भी जब आप देखते हो, जो आपका कॉरपोरेट जगत से मेरा मतलब है जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस हो गई, स्टॉक मार्केट हो गई, ऐसी दुनिया भर में जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल है, एप्पल है, ऐसी इंडिया में रिलायंस है, जियो है, अडानी है, अंबानी है, ये जो कॉरपोरेट जगत की कहानियाँ होती है, यहाँ पर बहुत सारी जो यू नो पॉलिटिक्स चलती है, लॉबिज़म चलती है, और बहुत सारी बैकडोर से एक दूसरे पे अटैक्स हो रहे होते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही होती है। जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो एथिकल अनएथिकल वेस यू नो इसका इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके से कॉरपोरेट एंटिटीज़ को डाउन किया जाए। अगर यहाँ पे आप देखो कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि FTX कंपनी जो है, FTX एक्सचेंज जो है,
उसका फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा वीक था, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इसमें गलत बात नहीं है कि FTX का फॉल आउट हुआ और उसका लोगों को पता लगा और आज नहीं तो आज कल वो हो सकता है कि 100 बिलियन US डॉलर की कंपनी हो जाती और तब गिरती तो पता नहीं कितने सारे लोग बर्बाद होते। लेकिन आज वो शुरुआती दिनों में पता लग गया तो चलो जल्दी गिर गई, लेकिन गिराया किसने? अगर आप देखो तो सबसे पहले उसकी जो बैलेंस शीट है वो रिलीज़ किस पे हुई, वो हुई कॉइन डेस्क पे। और कॉइन डेस्क के ऊपर जब ये बैलेंस शीट एक आर्टिकल के अंदर रिलीज़ हुई, आज ये लोग सवाल नहीं पूछते कि ये बैलेंस शीट आई कहाँ से, ये बैलेंस शीट किस तरीके से मिली, किस तरीके से ये डिटेल्स मिली और कॉइन डेस्क को ही क्यों मिली, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर हम देखें तो आज के डेट में जो मीडिया है, जो क्रिप्टो के अंदर जो मीडिया भी है, वो भी काफ़ी सारा सेंट्रलाइज है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आप देखो तो कॉइन डेस्क जो है वो अल्टीमेटली DCG ग्रुप की सब्सिडरी है। अब DCG ग्रुप जो है ये बैरी सिल्बर्ट का है। अब बैरी सिल्बर्ट जो है वो 42-43 ईयर्स का एक आदमी है जो कि आज की डेट में क्रिप्टो के अंदर शायद ही ऐसी कोई बड़ी कंपनी है जिसके अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो बैरी सिल्बर्ट जो है वो एक उसका एक फ़ंड है जिसका नाम है DCG, और DCG एक बहुत बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है जो कि क्रिप्टो के अंदर शायद ही ऐसी कोई कंपनी होगी जिसके अंदर वो इन्वेस्टेड नहीं है। तो जब अगर मैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो आप ये लेके चलो कि लेजर का आपने सुना है, लेजर में वो इन्वेस्टेड हैं। अगर आप देखो तो FTX के अंदर भी वो इन्वेस्टेड थे इनफैक्ट, ठीक है। तो और अगर आप देखो तो कॉइन डेस्क जो है वो उन्हीं की कंपनी है, राइट, और जेनेसिस उन्हीं की कंपनी है। फाउंडरी जो बिटकॉइन की माइनिंग करती है या माइनिंग फर्म जो है, आप सोचो कि फाउंडरी के अंदर, फाउंडरी भी DCG ग्रुप की कंपनी है। और भी क्रिप्टो के अंदर आप सोचो कि अगर इंडिया में भी सुनने में आता है कि जो ऊनो कॉइन है उसके अंदर भी वो इन्वेस्टेड है। और भी दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके अगर आप वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके अंदर शायद DCG ग्रुप इन्वेस्टेड नहीं है। तो कुछ तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, और जहाँ तक कि क्रैकन के अंदर और कॉइन बेस के अंदर भी उनकी इन्वेस्टमेंट है, और उनकी खुद की भी अपनी कंपनीज हैं जो खुद की कंपनीज में उनका कॉइन डेस्क उनकी कंपनी है, आप सोचो फाउंडरी उनकी कंपनी है, जेनेसिस उनकी कंपनी है, और उनकी क्रिप्टो एक्सचेंज भी है जो कि 40 से ऊपर कंट्रीज़ के अंदर है। इससे ये पता लगता है कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनकी शायद ही ऐसी दुनिया में ऐसी कोई सेगमेंट है, कोई सेक्टर है, कोई ऐसी कंपनी है जिसमें वो इन्वेस्टेड नहीं है। बैरी सिल्बर्ट जो एक बहुत बड़ा नाम है। अब आप सोचो कि बैरी सिल्बर्ट क्योंकि काफ़ी सारी एक्सचेंजेस में खुद इन्वेस्टेड है और कुछ एक एक्सचेंज तो उसकी खुद की है, तो इससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि आप बैरी सिल्बर्ट ने क्या ये सारी चीज़ें कहीं प्लान तो नहीं थी, कहीं ऐसा तो नहीं था कि बैरी सिल्बर्ट क्योंकि इन्वेस्टेड है क्रैकन के अंदर और कॉइन बेस के अंदर, और बैरी सिल्बर्ट की जो फंड है वो चाहता था कि जो एक्सचेंजेस हैं जिसमें वो खुद इन्वेस्टेड हैं वो एक्सचेंजेस जो हैं वो ज़्यादा ग्रो करें। ये सवाल मार्केट के अंदर आ रहे हैं, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल लोगों को डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि वाई कॉइन डेस्क, वाई नॉट इट कॉइन टेलीग्राफ या कहीं और से क्यों नहीं आया। और कॉइन डेस्क के अंदर कॉइन डेस्क बैरी सिल्बर्ट के बारे में क्या कहता है, वो ग्रे स्केल के बारे में क्या कहता है। अब काफ़ी सारा जो पीछे पास्ट में देखा गया कि उसकी एक कंपनी है राइट, जिसमें जहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई, प्रॉब्लम ये शुरू हुई कि अब लोग जेनेसिस से या ग्रे स्केल से सवाल पूछ रहे हैं। उसकी एक कंपनी है जो कि बहुत बड़ी बड़ी क्रिप्टो कंपनीज़ को, एक्सचेंजेस को, बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, जो वेल्स हैं, उनको बहुत बड़ा बड़ा लोन देती थी क्रिप्टो डिजिटल, कभी USD में लोन दे रही है, कभी क्रिप्टो लेंड कर रही है, और एक उसका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग का एक प्लेटफॉर्म था, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट की खबरें आ रही हैं, जहाँ पे विड्रॉल बंद होने की खबरें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जेनेसिस में शुरू हुई। और उसके बाद आप जो दूसरी सबसे बड़ी खबर जो ये आ रही है कि जो ग्रे स्केल है, ग्रे स्केल के ऊपर भी जब प्रूफ ऑफ रिजर्व, ग्रे स्केल दुनिया का सबसे बड़ा आप समझो कि क्रिप्टो फंड है जिसने शुरुआत करी। तो ग्रे स्केल बेसिकली क्या है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, तो इंस्टीट्यूशन ना डायरेक्ट बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता, वो रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो ग्रे स्केल एक रेगुलेटेड फंड था US के अंदर, सो काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रे स्केल के थ्रू क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते थे। अब आप सोचो कि ग्रे स्केल के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि ठीक है आप अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व बताओ, जितना आपके पास फंड है, जितना आपके पास क्रिप्टो है, जो पेपर फॉर्म में आप इन्वेस्टर्स को सेल करते हो, क्या आपके पास एक्चुअल में उतना क्रिप्टो है? तो ग्रे स्केल आइडियली ये क्लेम करता है कि जितनी उसके पास GBTC हैं, GBTC के जितने वो शेयर्स सेल करते हैं उतना ही इक्विवेलेंट बैकिंग में उनके पास एसेट होता है। तो लोगों ने ये पूछना शुरू करा कि अगर उनके पास एसेट है ग्रे स्केल के पास, तो वो अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व बताएं। प्रूफ ऑफ रिजर्व को लेके ग्रे स्केल का जो ट्विटर हैंडल है, ग्रे स्केल ने मना कर दिया कि वो प्रूफ ऑफ रिजर्व में
वो एड्रेसेस नहीं बताएंगे जहाँ पे उनका क्रिप्टो है। तो इससे और पैनिक क्रिएट हुआ कि क्या ग्रेस्केल के पास उतना क्रिप्टो है जितना कि वो क्लेम करते हैं, जितना उन्होंने सेल कर रखा है पेपर बिटकॉइन। एक तरीके से ग्रेस्केल का जो फंड है वो एक तरीके का पेपर बिटकॉइन ही है जो लोग, जो इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ। उधर से जेनेसिस जो उसकी है, जहाँ पे वो लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, उनका इंस्टीट्यूशनल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो क्रिप्टो को कोई भी जाके बोरो कर सकता है और वो उस पर इनकम अर्न करते हैं, उस पर भी सवाल पैदा हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि क्या जो बैरी सिल्वर्ट है, क्या ये उसकी रची हुई गेम थी कि उसको कॉइनबेस और क्रैकन और उसकी खुद की एक्सचेंज को वो लीडरशिप पोजीशन में लाना चाहता था, तो इसलिए FTX की इस चीज़ को वक्त देख के उसने ये रिलीज़ किया और उसके बाद ये इतना बड़ा एपिसोड हो गया। तो मीडिया भी उसका, एक्सचेंज भी उसकी, पूरा इकोसिस्टम में इन्वेस्टेड है। शायद ही ऐसी कोई कंपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया लेजर, कॉइनबेस, क्रैकन, कॉइनडेस्क, ये सारी कंपनीज अगर आप देखो, रिपल, जी कैश, ये सारी कंपनीज में कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टेड है। तो ये सारी चीज़ें एक सवाल पैदा कर रही हैं कि क्या सेंट्रलाइजेशन क्या FTX पे भी रुक जाएगी, क्या अभी और बड़े कांड होना बाकी हैं, क्या अभी और बड़े कोलैप्सेस होना बाकी हैं, क्या और बड़े फॉलोआउट होना बाकी हैं, ये अभी वक्त बताएगा। इसीलिए काफ़ी सारे लोग हैं वो फ्यूचर को लेके थोड़ा सा परेशान हैं। और कहीं ना कहीं जो मार्केट के अंदर ये जो र्यूमर्स हैं ग्रेस्केल के अराउंड, बैरी सिल्वर्ट के अराउंड, ये कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर और नेगेटिव सेंटीमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखा ये जाएगा कि फ्यूचर के अंदर के ये जो FTX का फॉल आउट हुआ है, इसने एक बहुत बड़ा डाउट क्रिएट कर दिया है, ना सिर्फ रेगुलेटर्स के दिमाग में बट जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके दिमाग में भी बहुत बड़ा डाउट क्रिएट हो गया है। सो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से ये होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको और डेप्थ में अगर समझना है, Web3 की दुनिया को आज 8 बजे आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और मैं और प्रणव उसको करते हैं। उसके अंदर और डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे कि बैरी सिल्वर्ट का हिस्ट्री, बैकग्राउंड, एजुकेशन, लिंक्डइन प्रोफाइल और उसकी कंपनीज की पोर्टफोलियो और कौन कौन सी कंपनीज है उसके पोर्टफोलियो में, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो 8 बजे मिलते हैं, अगर आपके पास वक्त है तो निकालिएगा, नहीं तो आपको एटलीस्ट इस वीडियो से पता लग गया कि क्यों अभी भी लोगों को लगता है, लोगों के अंदर ये फीलिंग है दैट द वर्स्ट इज़ येट टू कम। कैसा लगा आपको कॉन्टेंट, ये हार्ट टू हार्ट एक बात करी, दिल में जो बात थी आपके सामने रख दी। और अगर आपको ये कॉन्टेंट समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा और आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिली। और आपका क्या कहना है कि द वर्स्ट इज़ येट टू कम या जो बुरा होना था वो हो चुका, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच।